हमारी सहयोगी गौनिका अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गौनिका, आज जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, राजनीतिक खबरों के लिहाज से बड़ा एक्शन पैक डे है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन संसद से लेकर संसद के गलियारे तक दिखाई दे रहा है, और आज यही प्रदर्शन सड़कों पर भी दिखाई देने वाला है। गौनिका, बिल्कुल मीनाक्षी, ये सिर्फ आज का दिन नहीं बल्कि कल का दिन भी, कल क्योंकि एक बड़े प्रदर्शन का कॉल है जो जंतर मंतर पर होना है, जो कि सारे निष्कासित हुए सांसद वहां पर इकट्ठा होंगे, और जो सांसद अभी भी निष्कासित नहीं हुए वो पार्लियामेंट के अंदर ही प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन आज भी एक प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जाएगा, वो प्रोटेस्ट मार्च होगा जो की पार्लियामेंट की पुरानी बिल्डिंग से शुरू होकर उसके मेन गेट से तमाम 143 सांसद वहां पर इकट्ठा होंगे, और वहां से वो विजय चौक तक, जहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ तक मार्च करेंगे, और इसके जरिए यहाँ पर आकर वो मीडिया से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले 10:15 बजे फ्लो लीडर्स की मीटिंग है इंडिया अलायंस की, जो अब से कुछ देर में शुरू होगी, और यही वजह है कि यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती यहाँ पर हर रोज होती है, क्योंकि पार्लियामेंट में जिस तरीके से तमाम वीवीआईपी मूवमेंट रहता है, उसके अलावा जो सुरक्षा में चूक चूक हुई है उसके बाद से दिल्ली पुलिस और जो एजेंसीज है वो पूरी तरह सचेत हो गई है। लेकिन आज को लेकर और खास तैयारी है, ज्यादा सुरक्षा आज बढ़ाई गई है ताकि पार्लियामेंट जो भी सांसद यहाँ से निकलेंगे उनकी सुरक्षा भी, और इसके अलावा पार्लियामेंट के सेशन में किसी तरीके की कोई भी ऐसी रुकावट ना आए। यही वजह है कि यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से आज पूरी तरह एक एक्शन पैक डे रहेगा। यहाँ पर जो तमाम सांसद पहुंचेंगे 11 बजे वो पार्लियामेंट के गेट से निकलेंगे, और उसके बाद यहाँ पर मीडिया से आकर बात करेंगे। और कल जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो आरोप लगा रहे हैं कि करके विपक्षी दलों के सांसदों को निलंबित कर देना, ये एक तरीके से अलोकतांत्रिक है। ये एक ऐसा मुद्दा विपक्ष के हाथ में था जिसे वो बड़े अच्छे तरीके से भुना सकते थे, लेकिन संसद के बाहर जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की गई, उसके बाद क्या ऐसा नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा मौका विपक्ष ने अपने हाथों से खो दिया है, क्योंकि सरकार अब इसे एक बड़ा मुद्दा बना रही है, और आज सरकार की ओर से भी बीजेपी के सांसद भी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने वाले हैं, वहां प्रदर्शन करने वाले हैं। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना ना सिर्फ एक पद के अपमान की तरह इसे देखा जा रहा है, एक जाट पुत्र के अपमान के तौर पर देखा जा रहा है, किसान पुत्र के अपमान के तौर पर देखा जा रहा है, और क्या विपक्ष ने एक बहुत बड़ा मौका अपने हाथ से गवा दिया है, जहां एक तरफ विपक्षी सांसदों को हमने देखा एक के बाद एक निलंबन होता चला गया 13 दिसंबर से लेकर अगर कल तक की प्रक्रिया आप देखें, एक बड़ा मौका था, वो सरकार को घेर सकती थी, लेकिन संसद के कैंपस के अंदर ही जिस तरीके से मिमिक्री की गई उपराष्ट्रपति की, जिस तरीके का अशोभनीय व्यवहार किया गया, और फिर उस व्यवहार को जस्टिफाई भी बार बार करने की कोशिश की गई, ये वाकई में हैरान कर देने वाला है। धनखड़ की मिमिक्री को लेकर इस वक्त जमकर सियासत चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने धनखड़ से फोन कर उनसे बातचीत की, और उन्होंने कहा कि मैं बीते 20 सालों से इस तरीके से अपमान झेल रहा हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो उन्होंने भी विपक्ष के नेताओं को सलाह दी है कि विरोध की राजनीति ठीक है, लेकिन विरोध भी अपने गरिमा के दायरे में रहकर होना चाहिए। इसके अलावा बात करें लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की, उन्होंने भी कल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और वाकई में हैरानी जताई। प्रहलाद जोशी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कृत्य किए जा रहे हैं, पहले मॉफ्ट फोटो लेकर आ जाना प्रधानमंत्री मोदी की और विरोध करना, और उसके बाद उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना, उस पर ठहाके लगाकर हंसना, राहुल गांधी का उस पर वीडियो बनाना। आप देखिए जेपी नड्डा ने भी निशाना साधा, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर उन्हें कैमरामैन बनने का इतना शौक, यानी राहुल गांधी को अगर कैमरामैन बनने का इतना शौक है तो वो भी एग्जामिनेशन दे, उस पर भी विचार किया जाएगा। यानी कि स्तर इतना निचले जो लेवल है पॉलिटिक्स का, आलोचना का, विरोध का, वो इतने निचले स्तर पर आ गया है। आप सुने एक एक करके किस तरीके के पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहे हैं जगदीप धनखड़ की मिमिक्री को लेकर। संसद में नेताओं को भेजते हो कि वो वाद विवाद करें, लेकिन संसद में जिन लोगों को आपने भेजा है वो वाद विवाद के बदले जोकर का काम पकड़ लिया, उन्होंने जोकर वाला काम पकड़ लिया, नकल करने का काम पकड़ लिया। आपने देखा होगा कि एक सांसद भारत के उपराष्ट्रपति जो संवैधानिक जगह पर बैठे हैं संसद के प्रांगण में, उनकी नकल की जा रही है, और ये कांग्रेस का नेता राहुल गांधी उसके
वीडियो बना रहा है, ये भी आज हमको देखना था। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके बारे में कहते हैं कि 100 साल से ज्यादा का इतिहास है, उसका नेता एक नकलची की उसकी वीडियो बनाए। अपमान किसने किया, कैसे किया? वहां पे एमपी बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। अपनी कास्ट के लिए है सर, किसी ने कुछ नहीं, कुछ नहीं। वहाँ पे किसानों का अपमान किया। नहीं नहीं सुनिए, देखिए वहाँ पे हमारे 150 एमपी को बाहर फेंक दिया है, ठीक है, उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है। उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे एमपी वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। राहुल गांधी का ये कहना कि वहां पर सांसद बैठे हुए थे, वीडियो मैंने बनाया और ये कैसे सामने आ गया, इसका मतलब ये कि वो इसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो कुछ कल्याण बैनर्जी ने किया वो ठीक किया और मैंने तो वीडियो बनाया, अपने तक रखता, मजाक तो उड़ाया, चाहे बंद कमरे में उड़ाया गया हो या फिर संसद के गलियारे में उड़ाया गया हो, क्या इसे वाकई में वो इतना छोटा करार दे रहे हैं। बहरहाल विपक्ष के सांसद लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और इसी कड़ी में अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये मिमिक हमारा एक आर्ट है, उसमें प्राइम मिनिस्टर से लेकर अपोजिशन सबको मिमिक होते हैं, और यहाँ किसी ने ये नहीं कहा कि भाई ये धनखड़ जी की ऊपर मिमिक हो रहे हैं, उनको क्यों खुद अपने अपना रहे हैं, उनको किसी ने नहीं कहा, लेकिन वो क्यों अपना रहे हैं। और देश की उच्च स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति अगर जात पात की बात करे तो उनको शोभा देते हैं क्या? हमारे देश की प्रधानमंत्री कोई जात के नहीं, राष्ट्रपति कोई जात के नहीं होते हैं, उपराष्ट्रपति कोई जात के नहीं होते हैं। कल से हमें तो ये सीने पे ये लगा के घूमना पड़ेगा पोस्टर लगा कि मैं दलित हूँ, मैं जाट हूँ, मैं राजपूत हूँ, चलेगा ये देश? मैं कठोर शब्दों में इसकी निंदा करती हूँ। एक सभ्य सोसाइटी में और ख़ास तौर पे लोगों के चुने हुए नुमाइंदों की तरफ से जे ऐसा किया जाए तो हम क्या संकेत भेज रहे हैं। मैं इसकी बिल्कुल, एक पोस्ट की एक गरिमा होती है, आपको पर्सनली हो सकता है बहुत सारे लोग जो आपके साथ बैठते हैं आपको पर्सनली ना पसंद हो, लेकिन उस कुर्सी का और उस पोस्ट का रिस्पेक्ट करना बनता है। आप किसी आइडियोलॉजी के आधार पे उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन किसी की ऐसे नकल उतारनी और मजाक उड़ाना, ये किसी का भी किया जाए मैं समझती हूँ ये बहुत निंदनीय है और मैं सब सख्त शब्दों में इसकी निंदा करती हूँ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री को लेकर विपक्ष के सांसदों की ओर से सफाई भी आ रही है। सबसे पहले बात कल्याण बैनर्जी की ही कर लेते हैं, जिन्होंने जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की। उन्होंने कहा कि उनका इरादा अपमान का नहीं था और मिमिक्री करना तो दरअसल एक आर्ट है। फिर ममता बनर्जी सामने आई। ममता बनर्जी ने एक तरीके से इस कल्याण बैनर्जी को क्लीन चिट दे दी। उन्होंने कहा इसे कैजुअली लेना चाहिए। फिर राहुल गांधी सामने आए। राहुल गांधी तो यहाँ तक कह गए कि हाँ वो वीडियो बना रहे थे और वो वीडियो अगर नहीं बनता तो कभी ये पता ही नहीं चलता कि ऐसा कुछ हुआ। ममता के बयान के बाद राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कहा कि ये मुद्दा केवल मिमिक्री का या वीडियोग्राफी का नहीं है बल्कि ये 150 सांसदों के निलंबन का मुद्दा है। लेकिन जाट समाज इस पूरी घटना के बाद बहुत आहत है। बड़ी खबर आपको बता दें, जगदीप धनखड़ के समर्थन में जाट समाज खुलकर आ गया है। कल ही एक बैठक हुई, माफ़ी की मांग की गई। कहा यह गया कि अगर कल्याण बैनर्जी, राहुल गांधी आदि नेता अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो फिर ये बात बहुत आगे तक वो लेकर जाएंगे। वो चक्का जाम करने तक की बात कर रहे हैं, वो संसद के बाहर खाप पंचायत तक बुलाने की बात कर रही हैं।